गांधी जी जब एंट्री किए भारत में 15 में, तो खाली इस खाली घटनाक्रम को फिर से नोट करो। गांधी जी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, 1915 में, और 1915 में इन किए, ध्यान से समझते जाना। 1916 की सबसे बड़ी घटना क्या थी? लखनऊ समझौता, सबसे बड़ी घटना। लखनऊ पैक्ट हुआ, क्या हुआ था इस पैक्ट में? तो लखनऊ पैक्ट में ये हुआ कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग समझौता कर लिया, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कांग्रेस का जो दूसरा दल था जो टूट गया था एक्सट्रीमिस्ट वाला, वो भी साथ में आ गया। तो घटनाक्रम को ना समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, कांग्रेस एक तरीके से कहो कि अपने पुराने ताकत में आ गई, ठीक है, कांग्रेस पुराने ताकत में आ गई। 1916 गांधी जी की एंट्री हो चुकी है, गांधी जी यहाँ पर इस सम्मेलन में अटेंड भी किए, अटेंड किए। इसी सम्मेलन में गांधी जी की भेंट हुई किससे? राजकुमार शुक्ल से। सब कहानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहीं पर उनकी दोस्ती या उनका पहचान हुआ राजकुमार शुक्ला से, जो उनको इनविटेशन दिए कहाँ के लिए? चंपारण के लिए, कि आइए गांधी जी चंपारण देखिए बिहार। गांधी जी यहाँ पर ये स्टेप लिए, और गांधी जी 16 में जब बैठे तो क्या देख रहे हैं कि पूरा कांग्रेस यूनाइट हो गया, ताकत हो गया हमको, ठीक है। 17 की घटना हुई, गांधी जी पहुंच गए कहाँ? चंपारण पहुंच गए, और चंपारण सत्याग्रह पढ़े जो हम लोग कल पढ़े थे। तो चंपारण में सत्याग्रह किए, क्या किए सत्याग्रह, ध्यान से समझना जो चीजों को समझा रहे हैं। चंपारण में उन्होंने किसानों के लिए फाइट किया। कौन से किसान? वर्ड को पकड़ो, यहाँ पर एक तुमको बेसिक चीज समझाएंगे अभी, इस पर चलो आते हैं, इसी क्वेश्चन एक तरह से समझाते हैं इसको। 17 में आए और यहाँ पर फार्मर्स के लिए फाइट किए, गुड, चलो फार्मर्स किसान गांधी जी के साथ हो गए। 18 में गांधी जी इन किए कहाँ? अहमदाबाद, अहमदाबाद इन किए, और अहमदाबाद में लेबर्स के लिए, मिल के लेबर्स के लिए, मिल मजदूर के लिए फाइट किए, स्ट्राइक किए वहां पर। यहाँ पर इनको एक टीम मिला, कौन सा टीम मिला? तो मिल वर्कर्स का, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक। अगला दौर आया खेड़ा, 1918 में ही। खेड़ा का दौर क्या हुआ? इसमें भी कौन था इन्वॉल्व? इसमें किसान इन्वॉल्व था, ठीक है। अब तुमको जो हम समझाना चाहते हैं वो समझो, यहां तक का दौर बीत चुका है, अब माइनोरिटली समझना है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। चंपारण में भी किसान था, एग्री कर रहे हो? खेड़ा में भी किसान था, क्या इस दोनों किसानों में कोई अंतर था? ये सोच के बताओ, किसान यहां भी है, किसान वहां भी है, क्या तुमको लगता है कि खेड़ा का किसान या चंपारण के किसान में कोई अंतर है? क्या दोनों, अगर हम कहें तो दोनों सेम मान सकते हैं? अंतर तुम यही कहोगे, एक बिहार का है, एक गुजरात का है, और कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिखाते हैं उस अंतर को। चंपारण का प्रॉब्लम क्या था, समझो चीजों को, तीन कठिया सिस्टम, यानी कि जिसके पास एक बीघा जमीन है, जिसके पास एक बीघा जमीन है उसमें वो 3 कट्ठा में नील की खेती करेगा, ठीक है। किस चीजों को समझो कि एक्चुअल में गांधी जी का विजन कहां पर है, वो कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं वो समझो। हर हर आंदोलन ऐसा नहीं है कि समस्या थी तो दौड़े दौड़े चले गए और समस्या को दूर कर रहे हैं, वो नहीं है। समस्या के पीछे का लॉजिक को पकड़ना है। जब हम बिहार में चंपारण की बात कर रहे थे तो चंपारण में किसान कौन था? जो 3 कठिया सिस्टम था वो क्या सिस्टम था, ठीक है? 3 कठिया सिस्टम ये सिस्टम था कि जिसके पास एक बीघा जमीन या एक से ज्यादा बीघा जमीन है उसमें एक बीघा में उसको 3 कट्ठा का जमीन में नील की खेती करनी है, ठीक है। खेड़ा में क्या था कि किसान जो है उसको टैक्स पे करना है,
अपने जमीन का, जिसमें वो बोला कि 23% हम मोर टैक्स आपसे लेंगे। तुमको अब अंतर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो लैंड होल्डर्स है, जो फार्मर्स है, वो बड़ा किसान है, बिग फार्मर्स है, जिसके पास बीघा में जमीन है। यहाँ पे छोटा छोटा लैंड होल्डर्स है, जो कह लो कि एक कट्ठा आधा कट्ठा जमीन का मालिक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहलाया ये। यहाँ पर आ रहा है बिग फार्मर्स, जिसके पास बहुत जमीन है। ठीक है, तो दोनों तुमको किसान में अंतर समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जब वो यहाँ पर किसान, मतलब बिहार और यूपी और गुजरात नहीं हो रहा है, एक कम्युनिटी को वो टारगेट कर रहे हैं। तो जब वो चंपारण इन कर रहे हैं, तो वो बड़े फार्मर्स को टारगेट किए कि भैया तुम लोग जो हो, तुम्हारी जो कम्युनिटी है, वो देखो हम तुम्हारे लिए लड़ने आए और तुम मेरे साथ दोगे आगे। तो यहाँ पर बिग फार्मर्स को टारगेट किए, यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट किए। ठीक है, और मिल में जाने का मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों वाला पार्ट जो है वो तो रूरल इंडिया, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एंट्री मारे। यहां कहां क्षेत्र एंट्री मारे, यहां एंट्री मार रहे हैं अर्बन एरिया में। ठीक है, तो पकड़ो कि जब हम बहुत बात करेंगे, जब हम पढ़े थे शुरू में, जब तुमको समझा रहे थे, क्या समझाए थे, 1857 की जब क्रांति हो गई, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम, तुम लोग इसको समझने की कोशिश करना। जब 1857 की क्रांति हो गई, और 1857 की क्रांति जब होती है, तो यहां से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और यहां पर ब्रिटेन खुद आ गया राज करने के लिए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक राज कर रही थी, तब तक इसके विरोध में कौन खड़ा था, इसके विरोध में राजा खड़े थे, जो किंग थे, जो उस समय का राजा था, अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था, हैदराबाद का निजाम था, वो लड़ने जा रहा था। लेकिन 57 की क्रांति में क्या हुआ, जितना किंग था, जो नवाब था, ये सब खत्म हो गया, ये बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अब यहां पर ये लोग है ही नहीं, तो देश के लिए लड़ेगा कौन, जो था राजा महाराजा धीराज, वो तो खत्म हो चुके हैं, तो देश के लिए लड़ेगा कौन। यानी अगर हमको 1857 से 1947 पहुंचना है, और हमको जानना है कि यहां पर क्रांति हो, तो ये क्रांति का झंडा लेकर चलेगा कौन। अब यहां पर आ गया है नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी है, उसको यहां पर, जो मैंगो मैन है, उसको यहां पर उठना पड़ेगा। और ये उठना शुरू हुआ यहां से, तो जब ये मैंगो मैन उठ रहा है, राजा महाराजा तो है नहीं, अब तो कोई है नहीं तुम्हारा, तुम पर शासन करने वाला, तो इसको खुद उठना है। तो जब ये खुद उठेगा, तो ये अलग अलग कम्युनिटी में ये बटा हुआ है, ये अलग अलग कम्युनिटी में बटा हुआ है। और समझो इस सारे कम्युनिटी को अगर स्टार्ट करें हम, तो जैसे तुमको बताए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेबर जिसको कहते हैं गांव में हम, जिसके पास आधा कट्ठा एक कट्ठा जमीन है, और बेचारा अपना किसी तरह से जीवन यापन करता है, एक ग्रुप ये है। इसी में एक ग्रुप कौन है, बड़ा किसान, जिसके पास बहुत जमीन है, जो इन लोग को काम करवाता है। फिर तुमको इसमें मिलेगा एक जमींदार मिलेगा, जो इससे भी पावरफुल है, जो इन लोग से टैक्स वसूलता है। इससे बाहर अगर आते हैं तो मिलेंगे महिलाएं मिलेंगी, ठीक है, इससे बाहर आते हैं तो अर्बन इलाका के लेबर्स मिलेंगे, जो अर्बन इलाका में, जो शहर में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा रिलीजन, रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम, ये आएगा। तो ये सारे हैं आपके स्टेक होल्डर। और अगर हम चाहते हैं कि आम जनता में विरोध हो अंग्रेजों का, अगर हम चाहते हैं कि आम जनता विरोध करे, तो ये सारा फैक्टर्स को एक साथ उठ के आना पड़ेगा। और जब तक ये सब एक साथ उठ के नहीं आएगा, तब तक आप अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स था। तब जो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ के रीजन में, जब हम इस रीजन पर पहुँचते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें हमको अर्बन इलाका का मिल लेबर, मिल वर्कर्स, रूरल इलाका का बिग फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स गांधी जी के साथ आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब गांधी जी को पकड़ना किसको किसको है, देखो यहाँ पे कौन कौन पकड़ाएगा, अभी कौन कौन बाकी है। अभी बाकी है मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली मतलब कौन, वो फैमिली जो पढ़ी लिखी है,
उसके पास संपत्ति नहीं है, वो कहीं पर नौकरी कर रही है, वहां से सैलरी उठा रही है, जिसमें तुमको कौन मिलेंगे, एडवोकेट, टीचर, ठीक है, इस तरह के लोग, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग होंगे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली अभी बाकी है, उसके बाद तुमको मिलेगा अपर क्लास, जो हाई सोसाइटी है, जो कि सब पीपल में आएगा, तो ये मिलना बाकी है। इसके बाद मिलेगा सबसे बड़ा झमेला, क्या हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना, ठीक है, ये एक झमेला रहेगा। उसके बाद आएगा लोअर क्लास, जो एकदम निचला क्लास है, फिर आएगा तुम्हारा अनटचेबिलिटी। अब इन लोग को भी इस चीज में जोड़ना है। तो गांधी जी का टारगेट देखो, गांधी जी हवा में बात नहीं किए कि चलो सूत के उठे आज, चलो चंपारण चलते हैं, चलो आज उठे हैं, चलो अहमदाबाद, ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक लिंक बना रहे थे कि चंपारण जाएंगे तो हम किस ग्रुप को टारगेट करेंगे। हम टारगेट कर रहे हैं वैसे फार्मर्स जिसके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। अहमदाबाद गए तो क्या टारगेट किए, कि हम जाएंगे अर्बन इलाका, शहरी इलाका में वर्कर्स को टारगेट करेंगे। हम खेड़ा जाएंगे, वहां क्या करेंगे, छोटे फार्मर्स को टारगेट करेंगे। अब इतना कर चुके हैं गांधी जी, ठीक है, इतना कांड हो चुका है। अब गांधी जी का टारगेट है ये सारा, क्योंकि जब तक सब नहीं मिलेगा, इसमें तुमको एक नाम बच गया, वो है स्टूडेंट, ये नहीं मिला अभी तक उनको, ठीक है। तो यहां पर इन सबको साथ लाना पहले है एक मंच पर। जब सब एक साथ एक मंच पे आ जाएगा, तब गांधी जी देखोगे कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर फोकस कहां पर है, कि हमको सबको एक मंच पे उतार देना है, ठीक है। तो मंच पे उतरने के लिए बहुत सारे घटनाओं का होना जरूरी है। जैसे कुछ घटना हम देखे, क्या देखे, जलियांवाला बाग कांड देखे, रॉलेट एक्ट देखे, ये सब घटनाएं थी, चंपारण देखे, अहमदाबाद देखे, खेड़ा देखे, सब घटनाएं थी। एक एक करके सारी घटनाएं जुटते जा रही है। अब इसी क्रम में आज जो हम लोग